गर्मी आते ही मन करता है कुछ ठंडा ठंडा खाने का, लेकिन बाहर के टेम्परेचर को देख के बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि बाहर जाके कुछ खाएं। तो चलिए आज घर पे ही बनाते हैं फोर इंग्रेडिएंट यूज करके मैंगो लस्सी पॉप्सिकल्स। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे फ्रेश दही जो कि मैंने घर पे ही जमाया है। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ मैंने लिया है करीब 1 कप दही एकदम फ्रेश, आप योगर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने ऐड की है पाउडर ब्राउन शुगर, आप चाहे तो रिफाइंड शुगर और हनी का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे हम फ्रेश मैंगो प्योरी, और यहाँ पे मैंने ऐड किया है केसर इन्फ्यूज़्ड वाटर क्योंकि मैं मिल्क ऐड नहीं करना चाहती थी। इन सबको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक हमारा जो मिक्सचर है वो एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता है। तो यहाँ हमारी मैंगो लस्सी तो प्रिपेयर हो चुकी है। अब यहाँ मैंने लिया है ये सिलिकॉन मोल्ड, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप कोई ग्लास या फिर जो भी मनचाहा आपका मोल्ड है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुछ मैंगो चंक्स और ये स्टिक्स, अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो मैंने ये लकड़ी वाले जो फोक आते हैं उसका यूज़ किया है। मैंगो लस्सी को अपने मोल्ड में ऐड करेंगे और इसमें एयर बबल जितने भी हैं उसको हम रिमूव कर देंगे, और ऊपर से फिर मैंने मैंगो चंक्स इसमें ऐड किए हैं। इसे हम कवर कर लेंगे ताकि वाटर क्रिस्टलाइजेशन ना हो, आप चाहे तो फॉइल से भी कवर कर सकते हैं। इसे हम फ्रीज करेंगे लगभग 8 से 10 घंटे या फिर ओवरनाइट फॉर बेटर रिजल्ट। और रेडी है हमारी ये मैंगो लस्सी पॉप्सिकल्स। आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन है वो ज़्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ मैंगो के आसपास ही हुआ है। तो इस समय ट्राई कीजिए ये हेल्दी 4 इंग्रेडिएंट मैंगो लस्सी पॉप्सिकल रेसिपी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इजी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग हंगर अटैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।